जिस भौतिकवादी सुख के पीछे वो सुख जो वास्तव में सुख है ही नहीं, उस भौतिकवादी सुख के भविष्य का निर्माण करने के पीछे हम जो आज के दौड़ धूप की जिंदगी में, मशीन की जिंदगी में, मशीन बने हुए एक दूसरे से बढ़ने की जिंदगी में कंपटीटिव होते चले जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई सुख नहीं है। हम अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य निर्माण के लिए अपनी बर्बादी कर रहे हैं। हमें कभी ये नहीं पता चलता है कि अगली पीढ़ी का भविष्य निर्माण लक्ष्मी के उपार्जन से नहीं होती है, सरस्वती के उपार्जन से होती है। अगर आपने अगली पीढ़ी के अंदर में विद्या बुद्धि कूट कर बंदी संस्कार भर दिया तो वह धरती के जहां भी रहेंगे, जिस भी जगह पर रहेंगे, अपने लिए जीविकोपार्जन की सर्वोत्तम स्थिति में रहेंगे। और अगर हमने सिर्फ लक्ष्य नहीं भरा तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। आपने सुनी होगी कहावत कि स्वदेशी राजा बना सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्वदेश में पूजा जा सकता है। लेकिन अगर विश्व में हर एक कोने में हर जगह जाने पर पूजा करनी है, उनके भविष्य निर्माण करना है, चारित्रिक निर्माण करना है, तो आपको अपनी अगली पीढ़ी के लिए भौतिक सुख की ना व्यवस्था करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के सुख, सरस्वती का सुख, शास्त्र का सुख का निर्माण करना पड़ेगा, उनके चारित्रिक निर्माण करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर शिव झा और आज हम लेके आए हैं एक बात। दोस्तों अगर भौतिक जिंदगी में हम कुछ करना जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने भविष्य का निर्माण करना चाह रहे हैं, भविष्य के निर्माण कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो ये भौतिक भविष्य की जो परिकल्पना है, ये भौतिक भविष्य जो हम बना रहे हैं, जिसके निर्माण के लिए इतनी मेहनत हो रही है, आखिर इस भौतिक भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद उसकी कैसी, हमें किस प्रकार का भविष्य निर्माण करना चाहिए, इस बात पे अगर हम चर्चा करें तो आइए सुनते एक छोटी सी कहानी, एक पौराणिक कथा जिसमें बहुत ही सुंदर चरित्र वर्णन किया गया है हमारे भौतिक भविष्य के परिग्रहण का, हमारे भौतिक भविष्य के निर्माण का। क्योंकि भविष्य निर्माण पे हम सभी मानव जन जो जिस प्रकार के भी कोशिश कर रहे हो, प्रयास करते हैं कि हमारे भविष्य उज्ज्वल हो, हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, अगली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल हो, हम उसके लिए हर रोज अपनी एक परिकल्पना, अपनी एक मेहनत, अपने एक उद्देश्य पूर्ति हेतु भविष्य निर्माण में लगे रहते हैं। आखिर उस भौतिक, कौन से भौतिक भविष्य का हम निर्माण कर रहे हैं, इस विषय पे आइए जानते हैं छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बहुत ही सुंदर सा मकान था और उसके नीचे एक छोटी सी अनाज की दुकान थी। वो दुकान बहुत अच्छा हो गया था, पहले वो बहुत छोटी थी, आज के समय में वो दुकान एक शोरूम के टाइप में, अच्छे से कर अनाज गोदाम के टाइप में वो दिखाई देता था, एक अच्छा शॉप था। और दुकान के सामने में अनाज की बहुत सारी छोटी 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 ढेरियां लगी हुई थी। उन अनाज की ढेरी के पास कहीं से एक बकरा बार बार घूम के आता था और ढेरी में मुंह लगा देता था। दुकान उसका मालिक एक तरुण बालक बहुत ही शब्द सुशील सदाचारी टाइप का बालक बैठा हुआ था, और जब बार बार वो बकरा आकर उसमें मुंह लगाता था तो तरुण बालक को बहुत गुस्सा आता था, वो एक डंडा मार कर वो बकरा जब आए, वो तरुण बालक उठे उस डंडे से बकरे को मारे, बकरा भागता हुआ दूर तक जाए और फिर थोड़ी देर बाद वो घूमता हुआ उसी जगह पर मुंह लगाने के लिए। तो ऐसी प्रक्रिया चल रही थी, हर रोज की थी। एक दिन ये प्रक्रिया चली रही थी कि उसी समय बगल से नारद मुनि अपने अंगिरा ऋषि के साथ गुजर रहे थे। तो महर्षि नारद ने जब वो चीज देखा तो घटना को देखकर वो हंसने लगे। हंसता हुआ देखकर महर्षि अंगिरा ने पूछा, तो महर्षि नारद अब हंस गए, क्या दिख गया इस रास्ते में आपको? महर्षि नारद ने कहा कि अंगिरा जी, मालिक था बहुत ही मेहनती था और इस दुकान की भौतिक विकास के लिए उन्होंने प्रचुर मेहनत की, उन्हें इस दुकान में अपना भविष्य दिखता था और अपने भविष्य निर्माण में, भौतिक भविष्य के निर्माण में जितनी मेहनत करनी थी
दांव पेंच खेलने थे सारे खेले, इस भौतिकवादी दुनिया में जितने नियम सीखने थे वो सारे नियम कर मैं अप्लाई किया, और धीरे 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 करके इस दुकान को एक बहुत बड़ी करोड़पति दुकान में परिवर्तन कर दिया। उसके साथ साथ आप देख रहे बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत मॉल बनाया, इमारतें बनवाई और अच्छे से व्यापार करने लगा। उस व्यापार का नतीजा है कि ये तरुण बालक आज इस बड़े से दुकान के काउंटर पे बैठा हुआ है। परंतु उनका जो पुश्तैनी कारोबार था अनाज बेचना, वो अनाज बेचना आज भी जारी है, इसलिए वो घर दुकान के बाहर में कुछ अनाज रखे हुए हैं। और होता भी ऐसा है कि जब आपकी उन्नति बढ़ती जाती है तो आप अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते, तो कमोबेश कारण ये भी था कि उस बड़े से दुकान में आज बेचा जा रहा था दुकान के सामने, मॉल के सामने। और ये दिन प्रतिदिन चलता गया, समय का विधि का विधान, समय आया वो दुकान का मालिक मर गया और ये बेटा तरुण उसका दुकान का मालिक बना रहा, ये दुकान पे बैठा हुआ। और आप जो वो देख रहे हैं ना, डंडा मार के बार बार उस पकड़े को छड़ी से भगा रहा है, बार बार उस छड़ी से भगा रहा है, भौतिकवादिता के लिए था, उनके फलस्वरूप मानव जोनी से उनको कम करके अगली बार का जन्म बकरी में। क्योंकि जो नियम है कि जब आप बहुत सर्वश्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आपको मानव जोनी में जन्म मिलती है, पर मानव जोनी के अपने नियम क्रियाकलाप कर्म अलग अलग हैं। तो हम मानव जोनी में जन्म लेके जब पशु तत्वों के योनि वाले कर्म करते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी स्वार्थ साधना के लिए, अपने भौतिकवादी सुख के लिए हर दांव पेंच बेच करते हैं, तो भौतिकवादी सुख तो कमोबेश मिल जाती है, पर जो एक आध्यात्मिक सुख है, जो पूर्व जन्मों की कमाई है, जो आपकी आत्मा को शांति के देने वाली कमाई है, जो मोक्ष प्राप्ति की कमाई है, वो नहीं मिल पाता, वो उस दुकानदार को दे। पर आज इस बात को देख के मुझे हंसी आ रही है, मैं से नारद कहते हैं कि आज इस बात को देख के हंसी आ रही है कि दुकान का वह मालिक अनाज के बिजनेस को ये बहुत बड़ी विडंबना है। अंकिरा जी आप देखिए कि जिस एक मुट्ठी अनाज की दुकान को उन्होंने इतना विशाल दुकान में परिवर्तन किया और बनी बनाई दुकान उस तरुण बालक को इसी बकरे के कारण मिली, यानी पूर्व जन्म इस पिता के कारण मिली। आज वही बकरा जब बकरे के रूप में वो दुकानदार जन्म लिया है तो अपने दुकान के प्रति मोह को नहीं त्याग पा रहा है, अपने पुत्र के प्रति मोह को नहीं त्याग पा रहा है, और वही दुकान और पुत्र का मोह इसे बार बार खींच के दुकान की तरफ लाता है। पशु योनि में जन्म लिया है तो अनाज तो खाएगा ही, और आज इसका उस दुकान के बड़े से दुकान के सामने रखे हुए अनाज के दो दाने पर कोई हक नहीं है, बशर्ते जिस बच्चे को जिस पुत्र को लाड़ प्यार से पाल के इतना बड़ा किया था वो भी अज्ञानतावश भौतिकवादी सुख के पीछे, वो सुख जो वास्तव में सुख है, उस भौतिकवादी सुख की, उस भौतिकवादी सुख के भविष्य का निर्माण करने के पीछे हम जो आज के दौड़ धूप की जिंदगी में, मशीन की जिंदगी में, मशीन बने हुए हैं, एक दूसरे से बढ़ने की जिंदगी में कंपटीटिंग होते चले जा रहे हैं, इसमें कोई सुख नहीं है। हम अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य निर्माण के लिए अपनी बर्बादी कर रहे हैं, हमें कभी ये नहीं पता चलता है कि अगली पीढ़ी का भविष्य निर्माण लक्ष्मी के उपासना से नहीं होती है, सरस्वती के उपासना से होती है। अगर आपने अगली पीढ़ी के अंदर में बुद्धिया बुद्धि बुद्धि संस्कार भर दिया तो वो धरती के जहां भी रह गए, जिस भी जगह पे रह गए, अपने लिए जीवन उपार्जन की सर्वोत्तम स्थिति में रहेंगे। और अगर नष्ट लक्ष्मी भरा तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। आपने सुनी होगी कहावत, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते,
अशोक का निर्माण करना पड़ेगा, उनके चारित्र के निर्माण करना पड़ेगा कि वो विश्व के किसी भी कोने में जाए तो सर्वोत्तम स्थिति में, उनके भविष्य सर्वोत्तम स्थिति में रहे। और आप भी अपने भौतिकवादी सुख की जगह अगर आध्यात्मिक सांसारिक और वो जो ज्ञान के सुख को प्राप्त कर लेते हैं तो कमोबेश अगले जन्म में आप जिस परिस्थिति में हैं या तो आप उस परिस्थिति में रहेंगे या मोक्ष प्राप्त करके भगवान लोग अपने अपने चक्र बना चुके होंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख लेने वाली कहानी थी कि हम जिस जिंदगी में मशीन वाली जिंदगी में जी रहे हैं कम से कम यहाँ से सीखें और अपने और अपने अगली पीढ़ी के चारित्रिक भविष्य के निर्माण में भौतिकवादिता को कम श्रेय दें। और जो श्रेय देना है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, ज्ञान संस्कार और बुद्धिमत्ता। धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हमारा ब्लॉग नया है, चैनल नए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।